तो सीएससी की तरफ से तीन बड़े नए अपडेट आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ने के लिए आपको अपने डिजिटल पोर्टल सेवा को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि हम अपने सीएससी आईडी पासवर्ड देके अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी सीएससी में कोई भी सर्विस ऐड होता है तो उस सर्विस को देखने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहला जो अपडेट है यही है कि एक सरकारी काम को यहाँ पर ऐड किया गया है। कौन सा वो सरकारी काम जानने के लिए यहाँ पर देखिए न्यूली अराइव्ड बोल के आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर RCMMS का एक सर्विस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं है, तो क्या करें, हम यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। एक बार जैसे आप रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो देख सकते हैं RCMMS सर्विस आ चुका है। इस पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने आ जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक वेबसाइट, जहाँ से आप रेवेन्यू का जितना भी काम है, कोर्ट कचहरी का जितना भी काम है, ऑनलाइन जो भी फैसिलिटी दिया जाता है, सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। कौन सा काम करेंगे यहाँ पर दिया गया है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर देखिए लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आ जाएगा आप यहां पर न्यू केस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर उसे स्टेटस देखना चाहते हैं, पेमेंट का वेरीफाई करना चाहते हैं, फेल पेमेंट हुआ है आप देखना चाहते हैं या फिर उनसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमको न्यू केस रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर न्यू केस पर क्लिक करेंगे। अभी आपको सेलेक्ट अंडर विच केस आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको परमिशन ऑफ डाइवर्सन ऑफ लैंड, आपको अगर आपका लैंड को डाइवर्सन करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, यानी कि जिस कस्टमर का आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका कोई लैंड का झमेला है तो डाइवर्सन के लिए यहां पर क्लिक करेंगे, या फिर डिमार्केशन या फिर मेजरमेंट करना है, मतलब कि जो लैंड में प्रॉब्लम हुआ है उसका मेजरमेंट लेना है या फिर डिमार्केशन करना है उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे है डिपार्टमेंट के हेड को सेलेक्ट करना है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कलेक्टर अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और सब डिवीजन नीचे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। एक बात और है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ लिखा है त्रिपुरा के लिए, तो जो भी सीएससी वैली त्रिपुरा में रहते हैं वो त्रिपुरा के ही कस्टमर का ये सब कुछ कर सकते हैं। बाकी स्टेट वालों के लिए बहुत ही जल्दी यहाँ पर रेवेन्यू का काम आ जाएगा। जैसे ही किसी और स्टेट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, अपडेट आएगा, तो हम आपको वीडियो में बता देंगे। तो त्रिपुरा के जो सीएससी वैली हैं यहाँ पर आपको काम करना है, इसको नेम को एंटर करना है, किसका, कस्टमर का नेम को, तो जो भी पिटीशन डालना चाहता है उसका नाम डालेंगे। इसके बाद सन अप डाल के फादर नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके करेंगे। इसके बाद डेमोग्राफिक डिटेल्स में यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ का ज़मीन है, कहाँ का मतलब वो जगह है। इसके बाद यहाँ पर एरिया डालना है। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितना भी है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड, इसके बाद आपका जो लैंड का कॉपी है, सब कुछ यहाँ पर आपको स्कैन करना होगा। मैक्सिमम साइज 10 MB होना चाहिए। इसके बाद ये जो लैंड सब क्लास है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो लैंड सब क्लास है कंसर्न कौन सा है। इसके बाद ये कैप्चा देने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो अपडेट है ये तो छोड़िए सीएससी के डीजीपे को लेकर आया था, जो कि मैं इस अपडेट में शामिल नहीं किया हूँ, क्योंकि डीजीपे में आजकल काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आपको बताया होगा 4 दिन से उड्रल नहीं हो रहा, या फिर बैलेंसिंग करें तो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। कैश उड्रल SBI का नहीं हो रहा है, अदर बैंक का हो रहा है, लेकिन इसका जो कमीशन का यहाँ पर अपडेट आया था जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। अगर आपको कमीशन चार्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम के चैनल में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वजह सेकंड जो अपडेट है ई श्रम कार्ड को लेकर है। जैसे कि पहले आपको ई श्रम कार्ड बनाने का जितना पैसा मिलता था, अभी जो है उसमें 5 रुपये ऐड कर दिया गया है। मेरे हिसाब से 5 रुपया बहुत ही कम है जो कि ऐड किया गया है, ज़्यादा करना चाहिए था। तो क्या कर सकते हैं, जितना भी मिलेगा इसके बाद आप कस्टमर से ले सकते हैं, वो तो अलग बात है। इसके बाद जो सीएससी का 3 नंबर अपडेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे सीएससी वैली 45971 सीएससी वैली जो है अभी तक सीएससी आईडी में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनका आईडी को बंद करने का यहां पर एक ऑर्डर आ गया है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो जल्दी से अपना कोई ट्रांजेक्शन कर दीजिए, या फिर कोई मतलब रिचार्ज कर दीजिए, या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन कर दीजिए तो आपका आईडी बच जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं बहुत ही जल्दी इसको डीएक्टिव करने का फैसला लिया गया है। आई होप कि आपको ये जो सीएससी की तरफ से आया हुआ अपडेट था आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।